नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में बढ़ती वीआईपी दर्शन संस्कृति पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि वीआईपी केवल भगवान है, कोई वीआईपी भक्तों की परेशानी का कारण बनता है तो वो पाप कर रहा है, उसे भगवान माफ नहीं करेगा। विभिन्न सरकारी विभागों के वीआईपी श्रेणी में आने वाले अधिकारियों, उनके साथ आने वालों और अन्य भक्तों या दानदाताओं को मंदिर में अलग लाइन लगाकर विशेष दर्शन की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करीब एक महीने पहले टेलीविजन पर आकर यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने पश्चिमी सहित अन्य देशों को भी आगाह किया कि अगर रूस यूक्रेन के बीच कोई आता है तो उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते देती है और इसमें से एक महत्वपूर्ण बाल शिक्षा भत्ता भी शामिल है। ऐसे में जो केंद्रीय कर्मचारी कोरोना महामारी के कारण बाल शिक्षा भत्ता का दावा पेश नहीं कर सके हैं, उन्हें 31 मार्च से पहले बाल शिक्षा भत्ता की राशि का दावा करने का मौका मिला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए बुधवार अधिसूचना जारी कर दी है। नियुक्ति से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए साल 2012 या उससे पहले नियुक्ति शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। आईपीएल की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है, इससे पहले धोनी के अपने फैंस को बड़ा झटका देने का काम किया गया है। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है, उनकी जगह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कमान सौंपी गई है। आईपीएल के 15वें सीजन का 26 मार्च से ऐलान होने जा रहा है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रशंसकों और खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पहले सभी टीमों के खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस कर खूब पसीना बहा रहे हैं, जिनका मकसद अच्छा प्रदर्शन करना है। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम और रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान रह चुके विराट कोहली भी इन दिनों अपनी साथी खिलाड़ियों के साथ होटल में ठहरे हुए हैं। यहां से 20 मिनट की दूरी पर विराट कोहली का घर है, लेकिन वो जा नहीं सकते। कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी मामिका से मिलना चाहते हैं, लेकिन बायो बबल में होने के चलते वो घर नहीं जा पा रहे। झारखंड में नियुक्ति नियमावली को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कभी भी खतियान आधारित नियुक्ति नियमावली नहीं बन सकती। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष युवाओं को भड़काकर सड़क पर उतारने का काम कर रहा है। राज्य सरकार की नजर स्थानीय नीति और नियोजन नीति दोनों पर है, वो 1932 के खतियान का सम्मान करती है। बिहार में रेलवे ने अपने ट्रेन का नया टाइम टेबल जारी किया है। बिहार से आने जाने वाले रेल यात्री खबर को जरूर सुनने, बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सुगौली वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज और साठी स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। अमेरिका ने घोषणा की है कि उसने चीन के 352 उत्पादों को दोबारा आयात शुल्क छूट के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। चीन के संवाद समिति शिन्हुआ ने यह जानकारी दी है। अमेरिका यह निर्णय 12 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है और 31 दिसंबर 2022 तक यह लागू रहेगा। भारतीय सेना में नौकरी करने के इच्छुक युवा के लिए अच्छी बात है कि भारतीय सेना ने 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लखनऊ ने स्टेनोग्रेड 2 और बार्बर के पदों पर भर्ती निकाली है। इन भर्ती का नोटिफिकेशन 12 से 18 मार्च के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। इस भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास युवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तारीख भर्ती विज्ञापन जारी होने की तारीख से 28 दिन तक है। भारत के पास महिला सशक्तिकरण के मामले में एक अनूठी उपलब्धि है, इसकी जानकारी बुधवार को संसद को दी गई है। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में महिला पायलट की संख्या कुल संख्या के करीब 15% से अधिक है। उन्होंने सदन में इस बात की जानकारी दी और कहा है कि दुनिया के अन्य सभी देशों में केवल 5% पायलट महिलाएं हैं। बता दें कि सिंधिया का विभाग सवालों के घेरे में है, क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाया कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्या जरूरत है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनावी घमासान थमने के बाद सियासी दल अब पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रही है और इसके लिए सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के जरिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन एक सप्ताह सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह के एक साथ बैठक कर रूस के 132 अरब डॉलर के सोने के भंडार को फ्रीज करने के अवसर पर चर्चा कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने जंग में उतरने का मन बना लिया है। रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका ने भी युद्ध के मैदान में उतरने की अपनी योजना बना ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक आकस्मिक योजना बनाई है।
रक्षा उत्पाद बनाने वाली डिफेंस कंपनियों को दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों में शामिल कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उन्हें तकनीकी प्रौद्योगिकी के अलावा मार्केटिंग के मोर्चे पर मजबूत बनाया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए 15 कंपनियों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बड़े सप्लायर के रूप में खड़ा करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। वर्तमान में दुनिया की शीर्ष 40 रक्षा उत्पाद कंपनियों में से 2 सरकारी कंपनियां हैं जो रूस की है। स्वामी रामदेव ने इससे पहले ट्वीट किया है कि रुचि सोया के साथ आइए देश को स्वस्थ समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए इतिहास रचे। रुचि सोया का ये इश्यू 24 मार्च को खुला है और 28 मार्च 2022 तक बोली लगाने को मिलेगी। इस इश्यू के जरिए स्वामी रामदेव की पतंजलि की योजना बाजार नियामक सेबी के न्यूनतम शेष आधारित नियमों का पालन करना है और साथ ही 650 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर 4300 करोड़ रुपए का FPO उपलब्ध है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में इसके एक शेयर की कीमत 882 रुपए है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की जब सीबीआई जांच होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खुद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव में अमेरिका ने एक शीर्ष सांसद ने कहा है कि उन्नत तकनीक के क्षेत्र में अब अमेरिका उतना प्रभावशाली नहीं है, जबकि चीन, भारत और रूस ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। सीनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के अध्यक्ष जैक रीड ने बुधवार को एक नामांकन की पुष्टि के लिए हो रही बहस में कहा, हम ऐसी स्थिति में है जहां हम तकनीक संबंधी सुधार कर रहे हैं। कभी तकनीक के क्षेत्र में हमारा वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 से 3 अप्रैल तक दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत भ्रमण पर जाने की तैयारी नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। 5वीं बार प्रधानमंत्री बने देउबा का ये इस कार्यकाल का पहला भारत भ्रमण है। अपने भ्रमण के दौरान देउबा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से भारत नेपाल के बीच चलने वाले पहले रेल सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो इससे अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जब जब मौका मिला तब तब वो विश्व मंच पर तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने के लिए चिल्लाए हैं, लेकिन आज आलम यह है कि इसी तालिबान के चक्कर में पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। पाकिस्तान के साथ चीन का भी तालिबान की वापसी में हाथ रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में 400 ग्राम दूध 790 रुपए का मिल रहा है, वहीं 1 किलो चावल भी अब 500 रुपए का हो चुका है। मुल्क के लोग भुखमरी और महंगाई से बचने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को करीब 16 श्रीलंकाई समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे, इसमें एक दंपति और तो 4 महीने का बच्चा भी यहां पर पहुंचा है। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि HDIL का शेयर रॉकेट की तरह भाग रहा है। सिर्फ 15 कारोबारी दिन के भीतर HDIL का शेयर भाव 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। शेयर के भाव में ये तेजी तब आई जब गौतम अडानी के अडानी समूह ने भी कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय रेलवे देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को समय पर चलाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने प्रतिमाह निर्माण कार्य का टारगेट बढ़ा दिया है। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन के 2 स्टेशन सूरत और अहमदाबाद के निर्माण का टेंडर जारी कर लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन निर्माण का टारगेट बढ़ाने से काम में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है, हम तेजी से देश की सड़कों को बेहतर कर रहे हैं। यही नहीं, नितिन गडकरी ने यह भी दावा किया है कि 2024 तक देश की सड़कों को अमेरिका की तरह ही बेहतर किया जाएगा। गडकरी ने कहा है कि हमारी सड़कें हमारी संपन्नता से जुड़ी है। जॉन कैनेडी का वाक्य मैं हमेशा याद रखता हूं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर नहीं है, बल्कि यहां की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। अमेरिका के एक सांसद ने कहा है कि उन्नत तकनीक के क्षेत्र में अब अमेरिका उतना प्रभावशाली नहीं है, जबकि चीन, भारत और रूस ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी में काफी तरक्की कर ली है। सीनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के अध्यक्ष जैक रीड ने बुधवार को एक नामांकन की पुष्टि के लिए हो रही बहस में उक्त बातें कही हैं। फेविकॉल और फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्री ने निवेशकों को ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। कंपनी ने अब तक 30,000% से ज्यादा का रिटर्न निवेशकों को दे दिया है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की शेयरों ने काफी कुछ साल में इन्वेस्टर्स को 55 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा कराया है, यानी कंपनी के शेयरों में पैसा लगाने वाले लोग मालामाल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बुधवार को राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान के अहमदाबाद दौरे और रोड शो से पहले भाजपा के गांधीनगर स्थित मुख्यालय में भगवा पार्टी की सदस्यता ली। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब आपकी नजर भाजपा के मजबूत गढ़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात पर है, जहां इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में रखी लगभग 30,000 किताबें दीमक खा गए हैं। इन किताबों में उन स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए खरीदी गई थी जो किताबें खरीद पाने में असमर्थ थे, लेकिन स्टूडेंट्स को समय पर किताबें नहीं मिली और रखे रखे किताबों को दीमक चट कर गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कुल 94,000 किताबें हैं, जिसमें से अब लगभग 60,000 किताबें विद्यार्थियों के पढ़ने लायक बची है। खराब हुए 29,000 किताबों की कीमत लाखों रुपए होगी। पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने बुधवार को शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि पर अपने क्षेत्र में 5 जन लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। इन लाइब्रेरी में वाईफाई सुविधा मिलेगी और एक साथ 50 लोगों के बैठने की सुविधा भी रहेगी। दिल्ली में खुलने वाले ये 5 जन लाइब्रेरी सुबह 8 से रात के 8 बजे तक खुले रहेंगे। अनुपम खेर स्टारर फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। फिल्म ने 200 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की ताबड़तोड़ कमाई के आगे बाकी की सभी रिलीज फिल्में बौनी नजर आती हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है। इसने फिल्म सूर्यवंशी के लाइफ टाइम बिजनेस को पार कर लिया है। ये पैंडेमिक एरा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, विनोद कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार, धीरज कुमार, सोनी रवि, जितेंद्र ठाकुर, राजीव रंजन, ऋषि राजावत, मुकुल देव, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, प्रमोद प्रेमी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस साल अब तक हुई फिल्म रिलीज में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगी? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।